कार बता दूं कि माहौल क्या है। मैं आज मैं कुर्रा गांव पहुंच चुका हूं। ये कुर्रा गांव में लोग बैठे भी हुए हैं और ये यही चौराहा है, यही ये पट्टी है, यहीं से ये कुर्रा गांव को लोग जाते भी हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं कि माहौल क्या है, मैं कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, विकास है या जातिवाद है। सबसे पहले इनसे बात, सबसे पहले आप अपना पर्चा बताओ जाए। हमारा मुन्ना भारती है। मुन्ना जी, क्या लगता है जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में विनोद यादव सहित में कई प्रत्याशी खड़े हैं, क्या लगता है आप लोगों को किसके कुछ साथ नहीं बता सकते हैं। नहीं, किसके, विकास या जातिवाद? नहीं, विकास चाहिए। विकास चाहिए, विकास के तरफ बता रहे हैं, विकास चाहिए। क्योंकि जो जातिवाद किया आप तो खुद ही देख लिए होंगे कैमरे के बाद की, क्या बताऊं, जिस तरीके से अफजाल अंसारी ने जो जातिवाद करके चुनाव लड़ा हुआ था, यहाँ से जीत भी गए, वो ये एक जातिवाद थी, लेकिन विकास नहीं हो रहा है। बाबा जी हमारे साथ में बैठे हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या चाहिए बाबा जी, विकास या जातिवाद? विकास हम उनके चाहिए कि जातिवाद चाहिए, जातिवाद से काम मतलब काम नहीं, जातिवाद नहीं, ना जातिवाद नहीं चाहिए। अगर जातिवाद करते हैं तो फिर क्या होता है? जातिवाद कहला पर क्या हो तो हो झगड़ा झंझट हो जाएगा। नहीं, विकास रुक जाएगा या नहीं? तो विकास तो रुक ही जाएगा ना। अफजाल अंसारी को जो जीते हुए इस बार सांसद बने हुए हैं, मनोज सिन्हा काफी बेहतर काम किए, विकास किए थे, विकास किए थे मनोज सिन्हा, तो विकास किए कर ले किए, लेकिन नहीं जीत पाए। क्या जाति, किस वजह से नहीं जीत पाए? अब ये वजह हम क्या बतला सकते, जातिवाद के चक्कर में, जातिवाद के चक्कर में जीत गए कि कैसे जीत गए वो। देखिए दरअसल बात यही है और यही चीजें हैं, क्योंकि युवा चेहरा भी हमारे साथ में है, युवा लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी कुछ बातचीत कर लेंगे, क्योंकि इसमें कोरोना वोरोना का समय भी आया हुआ है तो बात भी करना जरूरी है, क्योंकि साहब मास्क भी लगाए हुए हैं और उसे भी बोल। जातिवाद या विकास? विकास ही चाहिए, जातिवाद से क्या फायदा है। जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में विनोद यादव इस वक्त खड़े हैं और काफी इसी गांव से वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव इसी गांव से भी तैयारी में है, तो क्या लगता है आप लोगों को? अब लगता है अभी बता नहीं सकते कि मतलब कौन जीत सकता है। तो जातिवाद हो भी अगर तो विकास उन लोगों में किस तरीके से आप लोग गंगा बहाएंगे? आप लोगों को क्या चाहिए इस गांव के लिए? हम लोगों को विकास चाहिए, क्योंकि आप देख ही रहे हैं रोड वोड कुछ बना ही नहीं है, गांव का गली का कुछ नहीं होता है, विकास सब जीतता है, सब अपने ही में लगा रहता है। क्या विनोद यादव चुनाव जीत जाएंगे यहाँ से? अब ये तो उनके, क्योंकि अभी भाजपा उजपा का पहने हुए हैं। नहीं नहीं, ये कोई भाजपा का नहीं है, ये हमारा नॉर्मल गमछा है। अच्छा, चलिए चलिए, इनके पीछे बैठे हुए हैं कि युवा चेहरा, विकास से जातिवाद? विकास, विकास चाहिए। जातिवाद तो आप लोग देख चुके हैं पिछले 5 सालों में, क्या वजह रही कि विकास की अब बातें करते हैं आप लोग, जातिवाद अब क्या वजह क्या रहा? क्योंकि गाजीपुर के लिए काफी विकास ही की जरूरत है भी, और पिछड़ा इलाका भी गाजीपुर है, लेकिन ये जो क्षेत्र की बात करते हैं, हम लोग आ रहे थे इसी रास्ते से, रोड रोड देखे गए हम लोग भी, लेकिन जो विकास कहाँ रुक गया, किस वजह से रुक गया, कुछ बता पाएंगे? क्योंकि आप युवा चेहरा है, नहीं तो खुद भी बता सकते हैं, खुद भी आप जान सकते हैं कि यहाँ पे जातिवाद के ही चक्कर में सांसदी के चुनाव हार गए थे मनोज सिन्हा यहाँ से, तो इस ये तो थोड़ा बहुत अंदाजा होगा ही। हाँ, जातिवाद ही से हार गए थे ऐसे ही। लेकिन इस बार क्या लगता है? इस बार लगता है मूड आपका क्या है, मूड आप बताइए। मूड हम क्या बताएं? नहीं, जातिवाद या विकास? विकास चाहिए, विकास चाहिए। देखिए दरअसल है, जनता की मांग है कि विकास चाहिए, लेकिन जनता कितना विकास के ऊपर ध्यान दे देती है। आइए हमारे साथ में है एक दादाजी हैं, उनसे बैठ कर बातचीत करेंगे, क्योंकि अब दादाजी आप अपना पर्चे बताएं। रघुनाथ जी, ये बताइए कि जातिवाद या विकास? विकास, विकास चाहिए। किस तरीके से होगा क्षेत्र में विकास, क्योंकि आप कैलेंडर वगैरह अभी टांगे हुए हैं विनोद यादव का यहाँ पे, तो किसको इस बार वोट कर रहे हैं आप? वोट देखेंगे जो जिला पंचायती के लिए, जिला पंचायती के लिए जो अच्छा होगा उसी को वोट देंगे। कौन अच्छा आपके नजर में इसमें दिख रहा है? नजर में क्या, जो जीतेगा उसको जिताएंगे। नहीं मतलब ये तो जातिवाद हो गया, जो जीतेगा नहीं, जातिवाद करने से थोड़ा विकास क्या चीज है, क्या चीज विकास अभी आप बताइए, पिछले पिछले 10 सालों का विकास कुछ बताइए। विकास खत्म हो गया कि मनोज सिन्हा नहीं जीता, खत्म हो गया विकास? नहीं तो फिर से तो वो आजमा सकते हैं, फिर से वही विकास की गंगा धारा जल धारा बहा सकते हैं। विकास सब तो वही रहता, सब तो वही है। अच्छा, जो आता है तो सब तो वही जीत के बस
लेकिन जो कहते हैं वो कुछ करते भी हैं। विनोद यादव का कहना भी है इसी तरीके से। अभी तो आए हैं, देखिए अभी इसी दो साल जनता के बीच लगातार काम किए हैं बिना कुछ ये बिना रहे हुए कुछ। काम किए हैं, लगे हैं बेचारों लगे हैं। अच्छा अच्छा, तो क्या लगता है आपको, जातिवाद या विकास? नहीं, विकास जातिवाद नहीं, विकास चाहिए हम। देखिए सबसे अब जनता की मूड जो है, अब पिछले जो चुनाव की बात किया जाए, पिछले जो बारी की बात किया जाए, अब जो जनता का मूड है वो बदल गया है बिल्कुल पूरी तरह से। अब वो साफ कह रहे हैं लोग कि हमें जातिवाद नहीं चाहिए, विकास चाहिए। देखना ये होगा कि किस तरीके से लोग यहाँ से बेहतर तरीके से जीत दिला पाएंगे जिला पंचायत सदस्यों को, और किस तरीके से प्रत्याशियों को जिला पंचायत में भेजने का काम कर पाएंगे यहाँ के नागरिक, ये भी चीज़ देखना। कैमरा पर्सन ओम प्रकाश शर्मा के